डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड की। और ये जो मेथड है, इसको डेवलप किया था दो वैज्ञानिकों ने, एलन मैक्सम और वॉल्टर गिलबर्ट ने 76-77 में। और ये बेस्ड होता है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए और उसके बाद में सबसिक्वेंट क्लीवेज होता है स्पेसिफिक बेसिस का। जो ये मेथड है, इसको कई बार हम केमिकल सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर रहा था क्योंकि जो प्योरीफाइड जो डीएनए है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे। जैसा कि सैंगर वाले मेथड में रिक्वायरमेंट थी कि जो भी आपका स्टार्टिंग जो था वो भी क्लोन होना पड़ता था उसको, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जैसे ही इम्प्रूवमेंट हुआ चेन टर्मिनेशन मेथड का, तो ये मैक्सम गिलबर्ट का सीक्वेंसिंग थोड़ा सा उसके फेवर में नहीं रहा, जैसा कि सैंगर का मेथड रहा था जो कि एंजाइमेटिक मेथड था, क्योंकि टेक्निकल जो कॉम्प्लेक्सिटी थी प्रोहिबिट कर रही थी स्टैंडर्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी किट्स की, जो कि हैजर्डस केमिकल्स जो यूज़ हो रहे थे, तो दे आर डिफ़िकल्ट टू वेरी डिफ़िकल्ट इन हैंडलिंग, दे आर स्केलिंग अप। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग एक केमिकल मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ले की थी उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये जो मेथड है, इसमें रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि हैजर्डस मटेरियल है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग होती है एक एंड में, और उसका जो प्योरीफिकेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट का, वो सीक्वेंस किया जाता है। केमिकल जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेगी, जनरेट करेगी स्मॉल पोर्शंस को, वन या दो जो चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस के होते हैं इन ईच ऑफ द फोर रिएक्शंस। जैसे कि केमिकल जो ट्रीटमेंट होगा ब्रेक करेगा, जी का एक बनेगा, फिर आपके ए प्लस जी का एक बनेगा, फिर आपके एक सी का बनेगा और एक बनेगा सी प्लस टी का। तो आपके लेबल या तो एक में जुड़े रहेंगे स्मॉल पोर्शन, जैसे कि सिंगल हम देख सकते हैं जी और सी हैं, या फिर दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए रहते हैं जैसे कि ए प्लस जी या सी प्लस टी जुड़े हुए रहेंगे। तो आपको एक सीरीज़ ऑफ लेबल फ्रैगमेंट्स का जनरेशन हो जाता है फ्रॉम द रेडियो लेबल एंड, रेडियो लेबलिंग जहाँ आपने की है, अर्थात जो आपका जो 5' जो एंड है वहाँ पे आपके जो सीक्वेंस है वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाता है 32 फॉस्फरस का फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी रेडियो लेबलिंग होगी। तो आपके सीरीज ऑफ लेबल फ्रैगमेंट जनरेट हो जाते हैं रेडियो लेबल एंड से, जो कि आपका फर्स्ट कट साइट होता है मॉलिक्यूल का। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं जो आपके चार रिएक्शंस हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो साइड बाय साइड होता है, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख सकते हैं उस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि यह एक तरह से आपका रेडियो एक्टिव लेबलिंग है। तो हम इसके लिए ऑटो रेडियोग्राफी को यूज़ करेंगे, जिससे एक सीरीज़ ऑफ डार्क बैंड्स मिलेंगे जो कि कॉरस्पॉन्ड करेंगे रेडियो लेबल डीएनए फ्रैगमेंट से, जिससे कि हम सीक्वेंस को इन्फर करेंगे कि भाई कौन सी सीक्वेंस रही है। तो ये जो मेथड है, क्योंकि पूरी तरह से एक केमिकल मेथडोलॉजी है, इसमें हम यूज़ करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल्स को। और जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए सैंपल्स होते हैं उसमें दो जो 5 फॉस्फेट जो एंड्स होते हैं डीएनए के, विच आर एट ऑपोजिट एंड्स, क्योंकि दोनों जो स्टैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं जिनकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है, उनका रिप्लेसमेंट 32 फॉस्फरस से हो जाता है। और ये जो होता है उसके लिए हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। इसका ये जो एंजाइम है क्या काम करेगा, कैटलाइज करेगा ट्रांसफ़र 32 फॉस्फरस फ्रॉम गामा 32 फॉस्फरस एटीपी टू 5 एंड ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ डीएनए। अब जो रेडियो एक्टिव जो डीएनए है उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा एनएओएच से, और दोनों ही स्ट्रैंड्स का सेपरेशन हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर इसके बाद में हम 5' जो रेडियो लेबल जो डीएनए है उसका ट्रीटमेंट करते हैं बेस स्पेसिफिक केमिकल से, जो कि रैंडमली क्लीव करेंगे डीएनए को स्पेसिफिक टारगेट न्यूक्लियोटाइड में। फिर हम फ्रैगमेंट्स का एनालिसिस करते हैं जेल में और ऑटो रेडियोग्राम में। तो ये जो मेथड है, इनिशियली इट इज़ यूजिंग ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल फॉलोड बाय केमिकल बेस स्पेसिफिक क्लीवेज, और जो सीक्वेंसिंग जो होगी लगभग 500 न्यूक्लियोटाइड्स की एक साथ हम कर सकते हैं। तो क्या क्या स्टेजेस होंगी, तो ये जो डायग्राम ये डिपिक्ट करता है कि आपने यूज़ किया ए ड्यूप्लेक्स डीएनए व्हिच इज़ अ डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट, उसको हम आइसोलेट करेंगे, फिर हम उसको रेडियो एक्टिवली लेबलिंग कर रहे हैं। जो पांचवां जो सिरा है वहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर का एक बीड आके जुड़ गया, डैट इज़ शोइंग 32 फॉस्फरस लेबलिंग।
अब ये जो फ्रैगमेंट है इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराएंगे या डाइजेस्ट करवाएंगे। अब जो फ्रैगमेंट है विद वन एंड लेबल्ड इज डीनेचर्ड। अब चार आइडेंटिकल सैंपल्स हमारे इस एंड लेबल्ड डीएनए के रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो हैं उनका सब्जेक्शन करते हैं हम केमिकल क्लीवेज से। अब ये जो केमिकल क्लीवेज करेंगे उसके लिए फोर स्पेसिफिक सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि सिलेक्टिवली कट करेंगे इस डीएनए बैकबोन को चार हिस्सों में, जी वाले, ए प्लस जी वाले, सी प्लस टी वाले या सी वाले। जो जी वाले होंगे उसमें हम देखेंगे कि ये डाईमिथाइल सल्फेट या पिप्रिडीन के द्वारा होगा, ए प्लस जी में डीएमएस और पिप्रिडीन के द्वारा होगा, सी प्लस टी में हाइड्रोजन और पिप्रिडीन के द्वारा होगा, सी में हाइड्रोजन या एल्कलाई पिप्रिडीन के द्वारा होगा। अब ये जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें परफॉर्मेंस होता है चेन ब्रेकेज का स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स में, और ये चार जो रिएक्शंस होंगे वो उसको कट करेंगे। और जब आपके ये जो लेबल्ड जो चेन है वो ब्रेक हो जाएंगे तो रिएक्शंस को हम कंट्रोल करेंगे। लेबल्ड जो सब फ्रैगमेंट्स हैं उनका जो क्रिएशन होगा फोर रिएक्शन से, जिनमें कि 32P लेबलिंग है एक हिस्से में और केमिकल क्लीवेज है दूसरे हिस्से में, तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगा। स्मॉलेस्ट जो फ्रैगमेंट होगा वो तेज गति से मूव करेगा। लेबल जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको विजुलाइजेशन हम ऑटो रेडियोग्राम से करेंगे, और ऑटो रेडियोग्राम में हम कैसे रीड करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो लॉन्गर फ्रैगमेंट्स एंड द शॉर्टर फ्रैगमेंट्स, तो सीक्वेंस जेल्स हम कैसे पढ़ते हैं, पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर जाते हैं, जब ये आपके चार आपके के केमिकल रिएक्टेंट्स से, और फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम उसको जब रीड करते हैं तो द शॉर्टर फ्रैगमेंट्स टू लॉन्गर फ्रैगमेंट्स की ओर हम मूव करेंगे। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड केमिकल ट्रीटमेंट का, आपने कोई एंड लेबल कराया है डीएनए सैंपल को, फिर आपके ऑटो रेडियोग्राम में आपके चार रिएक्शंस हुए, फिर हम बॉटम से टॉप पोजीशन में उसको रीड करेंगे, तो आपके लॉन्गर और शॉर्टर फ्रैगमेंट्स आप इस तरह से सीक्वेंस जो है उसकी वो एक जनरेट हो जाएगी। अब अगर हम केमिकली अगर इस पूरे मेथड को समझें तो इस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में हम देखते हैं कि जब हम यूज़ कर रहे हैं डाईमिथाइल सल्फेट डीएमएस, तो वो ग्वानिन के साथ में जब रिएक्ट करता है तो वो ओपन करता है रिंग को बिटवीन C8 एंड N9। उसी तरह से हम देखते हैं कि जब जी प्लस ए का जो रिएक्शन होता है फॉर्मिक एसिड और पिप्रिडीन के साथ में, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, कि जो फॉर्मिक एसिड होगी वो एक्ट करेगी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के, अटैक होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में। टी प्लस सी जो रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन पिप्रिडीन जो होता है वो ब्रेक करेगा रिंग को पाइरिडीन को। रिएक्शन फोर में जो सी होगा उसमें हाइड्रोजन और NaCl पिप्रिडीन है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रेक्स द रिंग ऑफ साइटोसिन। तो इस तरह से हम केमिकली देख सकते हैं कि किस तरह से केमिकल्स इन हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इस टेक्निक के, क्योंकि अब हमने इसका केमिकल ट्रीटमेंट कर लिया, केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया, उसका एक क्लीवेज रिएक्शन हो गया, तो इससे क्या होगा, एक मॉडिफाइड आपके न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स हैं और नेगेटिव फीचर्स हैं। पॉजिटिव की अगर बात करें तो कोई भी प्री मेच्योर टर्मिनेशन नहीं होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एंजाइमेटिकली। स्ट्रेचेस जो होते हैं डीएनए के उनको हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जिनकी कि हम नहीं कर पाते हैं जो सेंगर का मेथड था या फिर एंजाइमेटिक जो मेथड था। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि क्योंकि ये रेडियोएक्टिवली लेबलिंग हो रही है तो यूज़ जो होता है रेडियो एक्टिविटी का और टॉक्सिक केमिकल्स का, इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो इन ए नटशेल अगर हम बात करें तो मैक्सिम गिल्बर्ट मेथड जो कि एक केमिकल ट्रीटमेंट मेथड है, और ये जो है केमिकली मॉडिफिकेशन और सबसिक्वेंट क्लीवेज के ऊपर आधारित है, जिससे कि हम डीएनए सीक्वेंसेस का पता कर सकते हैं। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक इन ए वेरी फ्रूटफुल वे। थैंक यू।